चलो ओके, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांसिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सेशन। आज के सेशन में मैं करवाने वाला हूं कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम सीए स्टूडेंट जर्नल केस स्टडी डाइजेस्ट के इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। आपसे मुझे क्या चाहिए कि प्लीज आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठो, कैलकुलेटर एंड एक एक्स्ट्रा मोबाइल, सो दैट मैं जो भी आप लोगों को बोलते जाऊं वो आप लोग ओपन करते जाओ एंड वी कैन सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, आज का सेशन अगर आप बराबर से अटेंड कर लेते हो देन देयर आर फुल प्रोबेबिलिटी, फुल चांसेस दैट वी विल डेफिनेटली स्कोर 60-70 प्लस इन SCMP, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आज होने वाले हैं बहुत सारे एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एंजॉय द सेशन एट द मोस्ट। ठीक है, on that note let the game begin. So first question is from your CA student journal, skill based assessment question hai, question number 1. So aap log aage jaoge to you will open page number 13 एंड ये क्वेश्चन है पेज नंबर 13 से। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर, विच इज फ्रॉम द चैप्टर 4 एंड दैट ऑब्वियसली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो अगर चलो ठीक है, एंड वॉट आई विल डू इज जस्ट अ मोमेंट, मैं इसका लिंक फटाफट टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देता हूं, सो दैट इफ यू आर देयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ओपन दैट लिंक एंड यू विल गेट द PDF। ओके चलो, चलो सो यो वी आर टारगेट कॉस्टिंग। ऑडियो वीडियो बराबर है ना बॉस? ठीक है चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो अभी देखो मेरे को तो अभी फटाफट शॉर्टकट में आप लोगों को पूरा सम करवाना है, तो मैं एकदम इनडेप्थ नहीं जाऊंगा। जो मेन मेन चीज है, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा, ध्यान दे रहा। PX2 मैन्युफैक्चर्स कार्टन्स प्राइमरीली फॉर द यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। बस ये अभी इस जो कंपनी है उस कंपनी का बिजनेस क्या है पता है क्या? इन मेकिंग ऑफ कार्टन्स। तो ये बहुत सारे कार्टन्स बनाती है एंड उसी से रिलेटेड वो लोग ने काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया है कि वो लोग कार्टन्स बनाते हैं, वेयरहाउस में रखते हैं, फिर कस्टमर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अपने को जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सो ये वाला इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इन्फॉर्मेशन भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है दैट इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम दिस। अभी भी बता रहा हूं क्वेश्चन, PX2 क्या करता है? बॉक्सेस बनाता है। उसके ऊपर वाला इंफॉर्मेशन काम का नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जो मेन इंफॉर्मेशन है उसी को करेंगे, तो सम भी फटाफट हो जाएगा और कवरेज भी मैक्सिमम हो जाएगा। आइडिया कैसा लगा बताना जरूर, अच्छा लगा हो तो तालियों के साथ आगे बढ़ेंगे आपके कमेंट्स के साथ। फॉलोइंग इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्शन प्लान एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मिक्स बेस्ड ऑन बजट्स, प्रोडक्ट मिक्स। अभी एक कॉर्यूगेटेड बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस। एक कॉर्यूगेटेड बॉक्स बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए। कौन सा मटेरियल चाहिए? दो तरह का मटेरियल चाहिए, एक क्राफ्ट पेपर और दूसरा है रिसाइक्लेबल पेपर। क्राफ्ट पेपर जो है वो आपका जो कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस है उसका 80% प्रोडक्ट मिक्स है एंड रिसाइक्लेबल पेपर जो है उसका प्रोडक्ट मिक्स है 20%। मतलब से फॉर एग्जांपल ये आपका कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस है, तो ये कॉर्यूगेटेड बॉक्स किससे बना है? 80% इसमें क्राफ्ट पेपर है एंड 20% इसमें रिसाइक्लेबल पेपर है। क्राफ्ट पेपर क्या है? ये कंपनी का कुछ स्पेशल पेपर होगा, तो वॉट एवर इट इज। अच्छा, उस क्राफ्ट पेपर का मार्केट प्राइस कितना है? 50,000 पर टन एंड रिसाइक्लेबल पेपर का मार्केट प्राइस कितना है? 20,000 पर टन। तो अगर मेरे को ये कॉरिगेटेड बॉक्स बनाना है तो मुझे क्राफ्ट पेपर और रिसाइक्लेबल पेपर खरीदना पड़ेगा। तो मोमेंट मैं ये दोनों खरीद लेता हूं तो उसका कॉस्ट क्या होगा? 50,000 पर टन फॉर क्राफ्ट पेपर, 20,000 पर टन फॉर रिसाइक्लेबल पेपर। लेट द गेम बिगिन। इनपुट आउटपुट यील्ड, अ टन ऑफ रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड इन द कॉरिगेटर्स यील्ड हाफ टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट आउटपुट यील्ड का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट रेशियो या इनपुट आउटपुट यील्ड का मतलब, चलो मैं यहां से आलू डालूंगा तो वहां से कितना सोना निकलेगा। तो आलू क्या है? आलू मेरा इनपुट है, वहां से सोना निकलेगा। सोना क्या है? मेरा आउटपुट है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि बॉस इनपुट आउटपुट रेशियो इज 50%। तो 50% का मतलब क्या हुआ? देखो, टन ऑफ रॉ मटेरियल इज हाफ अ टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स। मतलब अगर मैं एक टन ऑफ इनपुट डाल रहा हूं तो खाली 0.5 टन, ओनली 0.5 टन का आउटपुट आ रहा है। आई होप वी आर क्लियर। तो अगर मैं एक टन का इनपुट डाल रहा हूं तो 0.5 टन का आउटपुट आ रहा है। तो अगर मेरे को, आप मेरे को फटाफट कमेंट में बताओगे कि मेरे को अगर 20 टन का आउटपुट चाहिए तो मुझे कितना इनपुट डालना पड़ेगा, बस उतना मुझे बता दो। अभी क्लियर एवरीबॉडी? एक टन का
इनपुट डाल रहा है तो 0.5 टन का आउटपुट आ रहा है। तो अगर मेरे को, मैं बोलता हूं मेरे को 20 टन का आउटपुट चाहिए तो मुझे कितना इनपुट डालना पड़ेगा? आई वॉन्ट एन एग्जाम्पल। एग्जैक्टली 40 टन। हनी 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 रॉन्ग, हनी ने उल्टा बोल दिया। हनी 20 के लिए मुझे, 20 के लिए आउटपुट के लिए मुझे डबल इनपुट लगेगा। तो ये गलती हो सकता है, ठीक है ना। मैंने इसके लिए जानबूझ के आउटपुट बोला क्योंकि मुझे पता था आप लोग 50% कर दोगे, बट इट इज गोइंग टू बी डबल। गॉट इट गाइस? चलो परफेक्ट परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट यील्ड हो गया। दूसरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अ कॉरूगेटर मशीन कैन प्रोसेस 5 टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स ड्यूरिंग एन आवर लॉन्ग प्रोडक्शन रन। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द आवर इज 30,000। 1 घंटे का 30 रुपया, 30,000 रुपया, और 30,000 रुपये में 5 टन यहां पे मेरा काम हो जाता है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन कलर डिजाइन 5,000 पर टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट। अदर कॉस्ट रिक्वायर्ड 20,000 पर टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट। एक चीज नोट कर रहे हो, सब चीज पर टन में, बट ये ऑपरेटिंग कॉस्ट 5 टन का दिया है। तो कहना इसे अपन लोग उसको 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर, कैसे? 30,000 अगर 5 टन का है तो 1 टन का कितना? करेक्ट, 6,000। सो ये मेरे पास कॉस्ट का इंफॉर्मेशन आ गया है। आगे बढ़ते हैं। These standards represent best practices for the company that have been followed for the past many years. Standard costs are, अभी आगे कहानी को आगे बढ़ाएंगे, are revisited once every year. Since it is not possible to do more dynamic costing due to 35 different types of cartons being produced. This is acceptable to both the production manager and सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये सब टाइम पास का चीज है, कोई काम का नहीं है। अभी अपने को यहाँ पे चाहिए कहाँ पे, अभी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आ रहा है वो भी बता देता हूँ। ये सब फालतू चीज है, ये सब फालतू चीज है, कोई काम का नहीं है। अब आ रहे हैं अपन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि अपने को नंबर से लेना देना है। नंबर्स आ जाओ। TX2 सेल्स ईच टन ऑफ कार्टन एट रुपीज 1,40,000 इन एडिशन टू द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिटेल्ड अबव, फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। तो अभी जो गया वो सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, अब ये मेरा और एडिशनल इसके ऊपर भी कॉस्ट इनकर होने वाला है। शिपिंग कॉस्ट 20 किलोमीटर अवे 6,000 पर टन, ये भी टन में है। वेयरहाउस मेंटेनेंस 30,000 पर टन। रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन 5,000 पर टन। ओके, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन इंडिकेट दैट द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन इज एक्चुअली हायर देन इज सेल प्राइस। मतलब कंपनी लॉस कर रहा है। सिंस द मार्केट इज हाईली कॉम्पिटेटिव, PX2 डज नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज इट्स सेल प्राइस। कूल, आगे बढ़ते हैं। नाउ अ क्लोज कॉम्पिटिटर इज एबल टू सेल सिमिलर कार्टन एट रुपीज 1,10,000 एंड देर इज नॉट मच प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन बिटवीन द गुड्स। मतलब मेरा एक कॉम्पिटिटर है, वो सेम कॉरुगेटेड बॉक्सेस 1,10,000 पर टन में बेच रहा है। अब मैं कितने में बेच रहा हूं, वो सेम चीज 1,40,000 पर टन में बेच रहा हूं। आप मुझे बताओ, क्या मेरे पास से कोई लेगा क्या? सीधा सीधा जेन्युइनली बोलना, द आंसर इज नो। मेरा कॉम्पिटिटर जब 1,10,000 में बेच रहा है तो मेरे से कोई 1,40,000 में कैसे लेगा? और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे कोई प्रोडक्ट में डिफरेंसिएशन है। यहाँ पे लिखा है देयर इज नॉट मच प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन बिटवीन द गुड्स। सो इन शॉर्ट, मुझे अभी कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा। 1,40,000 में मैं बेच रहा हूं, 1,10,000 में कॉम्पिटिटर बेच रहा है। सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू रिड्यूस माय कॉस्ट सो दैट मैं उसको कॉम्पिटेटिव प्राइस में बेच पाऊं। आई होप क्वेश्चन का आप लोगों को जिस समझ में आ गया होगा। कहानी को आगे बढ़ाता हूं फटाफट। क्वेश्चन का जिस समझ में आ गया क्या, कंफर्म कर लो मेरे को कमेंट के साथ। कंटिन्यू करता हूं। एज अ न्यूली एम्प्लॉयड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू सजेस्ट द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प यू एड्रेस द प्रॉब्लम। सुपर्ब क्वेश्चन है ये। 1, 2, 3, 4, 5 ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड। एक दो जगह पे मेरा भी मिस्टेक हुआ था जब मैंने सॉल्व किया था, आई विल लेट यू नो। तो आई होप आप लोग वो गलती ना करो। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द करंट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कार्टन गिवन द करंट सेल प्राइस ऑफ रुपीज 1,40,000 पर टन। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस दैट इज बीइंग इनकर्ड। सो मैं 1,40,000 का तो मेरा करंट सेलिंग प्राइस है, अभी मेरे को देखना है कि कॉस्ट कितना है, उससे मुझे पता चल जाएगा एक मिनट में कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूं या लॉस। क्या मेरा कॉस्ट के कैलकुलेशंस के लिए मेरे पास सब नंबर्स अवेलेबल है क्या? द आंसर इज यस। कैन आई से, अभी आप लोग मेरे को फटाफट बताते जाओगे क्या नंबर्स है। सो यहां पे मैं फटाफट इसको सॉल्व कर रहा हूं। प्लीज, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग भी अपना नोटबुक ओपन रखोगे, इट शुड नॉट बी अ वन वे कम्युनिकेशन। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के, ये कौन सा वाला है? CA स्टूडेंट जर्नल का है ये क्वेश्चन ऑफ Jan 23। ये जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। Jan 23 का जो एडिशन है उसका SBAQ का ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
बेस्ड ऑन टारगेट कॉस्टिंग विच नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इसमें वो लोग ने क्वेश्चन में बोला है ए पार्ट में कि अपने कंपनी का जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस है उसका सेलिंग प्राइस है ₹1,40,000 और अपने को अभी फाइंड आउट करना है उसका सारा कॉस्ट। जैसे अपन लोग कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे अपने को पता चल जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। तो क्यों ना ये कॉस्ट के लिए मैं बना लूं एक वर्किंग नोट वन। दिस इज हाउ यू अप्रोच द पेपर। अब मेरा ये सबसे पहले वर्किंग नोट वन आ रहा है। आप मेरे को बताओ कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस बनाना है उसके लिए मेरे को कहना से मटीरियल चाहिए, कितना मटीरियल चाहिए? दो मटीरियल चाहिए, एक क्राफ्ट पेपर का एक रिसाइकलेबल पेपर का। तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट लिखता हूं मटीरियल। कहना से मेरे को दो मटीरियल चाहिए। क्या है वो दो मटीरियल? एक है क्राफ्ट का, दूसरा मटेरियल है मेरा रिसाइक्लेबल पेपर का। अच्छा कितना चाहिए? प्रोडक्ट मिक्स है 80%। ठीक है, तो आइडियली एक टन बनाने के लिए मुझे क्राफ्ट पेपर कितना चाहिए? 80%। और एक टन क्राफ्ट पेपर का है 50,000। तो आप लोग को फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कितने का पड़ेगा मेरे को क्राफ्ट पेपर एक टन मेरा कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने के लिए, एंड रिसाइक्लेबल पेपर इज 20% प्रोडक्ट मिक्स, तो वो मेरे को कितना पड़ेगा? दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी। चलो गाइस फटाफट मेरे को बताओ। सो यहां पे कैन आई से, मैं बोलूंगा कि भाई एक टन क्राफ्ट का, एक टन का जो मेरे को कॉरुगेटेड बनाना है उसका 80% इज माय क्राफ्ट, उसका 80% इज माय क्राफ्ट विच इज 0.8 tons। कितना? 0.8 tons। ये जो 0.8 tons है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ 50,000 के साथ, बिकॉज यहां पे 50,000 पर टन है। क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या मेरे को फटाफट बताते जाओ एवरीबॉडी। यस, सो कैन आई से ये मेरा कितना आ जाएगा? 40,000 rupees। बराबर है 40,000 rupees। अभी सुनना आगे। रिसाइक्लेबल पेपर एक टन में 20% यूज हो रहा है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय मेरे को यहां पे बोला है 20,000। सो कैन आई से यहां पे मैं 20,000 पर टन लिख दूंगा। सो कैन आई से ये मेरा हो जाएगा ₹4,000। तो टोटल ₹44,000 का मेरा इनपुट कॉस्ट है फॉर वन टन। दिस इज माय इनपुट कॉस्ट फॉर वन टन ऑफ इनपुट, फॉर वन टन ऑफ इनपुट। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। यहां पे अगर गलती हो गया तो पूरा सम रॉन्ग जाएगा। अब अपने को क्या करना है? आप लोगों को समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? अभी अंडरस्टैंडिंग अपने को अभी क्या करना है? क्या लग रहा है अपने को अभी? भाई एक टन ऑफ इनपुट का 44,000 हो रहा है। यस पंकज, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक टन ऑफ इनपुट का 44,000 rupees हो रहा है। बट याद रखना ये एक टन ऑफ इनपुट का है। मुझे अगर एक टन ऑफ आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मुझे दो टन ऑफ इनपुट का जरूरत लगता है। राइट? एम आई राइट? यस सर। ऐसा कहां लिखा है? ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया था, अ टन ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड्स हाफ टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स। राइट एवरीवन? सो यहां पे मैं बोल दूंगा एक टन आउटपुट के लिए दो टन इनपुट चाहिए। तो यहां पे अगर एक टन इनपुट का 44,000 है तो दो टन इनपुट का करेक्ट कितना हो जाएगा? ₹88,000 इज माय रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर वन टन ऑफ आउटपुट। एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म करो, समझो एवरीबॉडी? अभी क्लियर एवरीवन? यस सर। तो ये हो गया मेरा 88,000। मनीषा यादव ने 22,000 कर दिया। मनीषा जी प्लीज ये गलती मत करना, आपका सम ही स्टार्टिंग से रॉन्ग हो जाएगा। जो गलती हनी खत्री ने की थी वो सेम गलती यहां पे मनीषा जी कर चुकी हैं आई गेस। गाइस डबल होगा ना भाई, 44,000 का एक टन ऑफ इनपुट का है और एक टन ऑफ अपने को तो आउटपुट का कॉस्ट निकालना है। एक आउटपुट, एक कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने को कितना कॉस्ट लग रहा है? तो उसके लिए दो टन इनपुट लगेगा। एक टन इनपुट का 44,000 है, दो टन का कितना? 88,000। समझो एवरीबॉडी? क्लियर है? चलो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड। सो यहां पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कॉस्ट।
कॉस्ट में मैंने पहला चीज लिख दिया रॉ मटेरियल कॉस्ट। बॉस ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था। अब ये सम एकदम इजी हो गया है, बट पब्लिक यहां पे ही गलती कर देता है। ये इंस्टीट्यूट का गेम है, फर्स्ट स्टेप पे ही गलती करवा दो फिर आगे का पूरा गलत हो जाएगा एंड इंस्टीट्यूट फिर मार्क्स नहीं देगा वही उसको चाहिए। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं फटाफट, क्वेश्चन को अपन लोग रीड कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब सुनो, अ कॉरुगेटर मशीन कैन प्रोसेस 5 टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स ड्यूरिंग एन आवर लॉन्ग प्रोडक्शन रन, और बोला है कि 30,000 रुपया उसका लगता है। तो 5 टन का 30,000, अपने को तो 1 टन आउटपुट का कैलकुलेशन चाहिए। सो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते अपन कॉस्ट। स्टेटमेंट किसका बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ 1 टन ऑफ आउटपुट, स्टेटमेंट ऑफ 1 टन ऑफ आउटपुट, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट है 88,000। दूसरा आया है मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 टन का कितना है भाई, 30,000 रुपए है, 5 टन का तो 1 टन का है 6,000, 1 टन का है 6,000। अभी क्लियर एवरीबॉडी, डन। चलो नेक्स्ट फटाफट लिखते जाएंगे अपन, प्रिंटिंग कॉस्ट 5,000 पर टन, अदर कॉस्ट 20,000 पर टन। चलो इसको इसको ऐड करते जाते हैं, 5,000 20,000, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आई होप वो समझ में आ गया होगा। उसी के साथ वो लोग ने बोला है और भी कुछ कॉस्ट इंकर होने वाला है, ये देखो इधर क्या बोला है, ये शिपिंग कॉस्ट भी होने वाला है, कितना 6,000 पर टन, वेयरहाउस 30,000 पर टन, तो 6,000 और 30,000 ये दोनों भी ऐड कर दूंगा, यस सर। सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 6,000, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और एक 30,000। सो ये कैन आई से मेरे को टोटल कॉस्ट मिल गया है, कैन आई से ये मेरे को टोटल कॉस्ट मिल गया है। हाँ भाई कितना टोटल कॉस्ट आ रहा है मेरा, कैलकुलेटर किधर है ए भाई, राजा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर राजा, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, हाँ भाई। सो टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ रहा है, इट इज 88,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000। सी गाइस आइडियली है ना, तुम लोग के होते हुए है ना मेरे को ये कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तुम लोग का आंसर फटाफट आ जाना चाहिए यार। चलो आई थिंक ये 1,55,000 हो गया है, मैं उसको बेच रहा हूं कितने में, 1,40,000 में, तो इसका मतलब कहना ही से मैं 15,000 रुपए का लॉस कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो लॉस है मेरा ₹15,000, क्लियर है। सेकंड पार्ट के ऊपर चलेंगे अभी फटाफट, सेकंड पार्ट देखो बहुत अच्छा है। इंटेंस मार्केट कंपटीशन एंड द एबिलिटी ऑफ अ कॉम्पिटिटर टू सेट अ सिमिलर प्रोडक्ट टू सेल अ सिमिलर प्रोडक्ट एट अ मच लोअर प्राइस रिक्वायर्स यू टू यूज टारगेट कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम टेकिंग कॉम्पिटिटर सेल प्राइस ₹110,000 per ton, कैलकुलेट द टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैंने जब ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया था मैंने मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो मैंने ये जब सम सॉल्व किया, मैं कोई भी सम होता है मैं खुद से पहले सॉल्व करता हूँ फिर आंसर इंस्टीट्यूट के साथ चेक करता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर सेकंड वाला पार्ट मैंने मिस्टेक कर दिया था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या मिस्टेक। सब लोग का आंसर आ रहा है 1,05,000, आप लोग सब लोग का आंसर रॉन्ग है। मेरा भी यही आया था कि भाई 1,10,000 उसका टारगेट सेलिंग प्राइस है, उसमें से अपन लोग प्रॉफिट माइनस कर देते 5,000, तो मैं भी आंसर लिखकर आया 1,05,000। बट देखो क्वेश्चन का स्मार्टनेस, उसने बोला है कैलकुलेट द टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सो मैं भी टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करके आया, बट उसने टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछा है। तो गाइस टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज नॉट 1,05,000, टोटल टारगेट कॉस्ट इज 1,05,000। आपको पता है टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या आता है, खाली ये चार चीजें। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि बॉस मेरा ये देखो यहाँ पे ये खाली ये जो चार चीजें है ना वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट है, उसके अलावा जो ये वाला जो पार्ट है ये देखो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या लिखा है, इन एडिशन टू द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिटेल्ड अबव, मतलब खाली वो जो चार कॉस्ट था ना वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, दिस इज वेयर वी मेड अ मिस्टेक। तो अभी यहाँ पे 6,000 30,000 दोनों माइनस कर दो, सो यहाँ पे मैं बोलेगा कि भाई ये 1,05,000 में से 30,000 और 6,000 भी माइनस करना है, वो उसको एज इट इज रखना है। सो मेरे लिए अब टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया, 1,05,000 माइनस 36,000, बोलो बोलो चल चल कितना है, करेक्ट इट इज 69,000। ए समझू एवरीबॉडी, यस सर 69,000 आ गया है, गलती समझ में आया। अब मार्क्स चले जाता था आपका और मेरा दोनों का बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल मिस्टेक। थर्ड पार्ट पे चल रहा हूं फटाफट, थर्ड पार्ट पे चल रहा हूं, स्पीड अभी अपन लोग ने अच्छा पकड़ लिया है, यस अमेजिंग पॉइंट अकुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड पॉइंट, इन द करेंट सेटअप कैलकुलेट आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंसिडरिंग मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज
आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज व्हेन देयर इज नो वेस्टेज ऑफ करंट रिसोर्सेज. आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कहां पे हो रहा है? इस क्वेश्चन में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कहना इसे इनपुट में हो रहा है, क्योंकि आइडियली तो मैं अगर एक टन इनपुट डालू तो एक टन का आउटपुट बनना चाहिए, बट हो क्या रहा है, जब मैं दो टन का इनपुट डालता हूं तब जाके एक टन का आउटपुट बनता है. सो कैन आई से वहां पे मेरा सबसे ज्यादा वेस्ट ऑफ इनपुट हो रहा है? तो अगर वो वेस्ट ऑफ इनपुट नहीं होता देन इन दैट केस मेरा कितना आइडियल कॉस्ट लगता ना, वो अभी मेरे को यहां पर बताना है. समझ में आ गया है गाइस? चलो आई होप यू आर क्लियर. 75,000 नहीं ना, यहाँ पे 69,000 आएगा गाइस. 1,05,000 माइनस 36,000. टारगेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है ऊपर ही. यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इज रुपीज 5,000 पर टन. गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रॉपरली प्लीज रीड कर लो, डोंट हैव दैट मच टाइम. सो चलो अभी अपने को क्या चाहिए? अच्छा थर्ड वाले का आंसर 75,000 आ गया कुछ लोगों का. ओके ओके ओके, चलो 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 फटाफट. अभी अपने को क्या चाहिए कि बॉस अगर मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट वन टन इनपुट इज इक्वल टू वन टन आउटपुट, मतलब आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जीरो वेस्टेज, क्वेश्चन बोल रहा है जीरो वेस्टेज, मतलब कैन आई से ये वाला मेरा कॉस्ट कितना आता बताए? ये वाला कॉस्ट मेरा आता 44,000. एंड कैन आई से बाकी तो जो भी मेरा कॉस्ट है वो तो वही लगने वाला है. तो 44,000 प्लस 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 क्या क्या कॉस्ट है मेरा यार, क्या क्या कॉस्ट है मेरा, 6,000, 20,000, 5,000. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 6,000, 5,000, 20,000. और वो तीन कॉस्ट लिखना है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. अब मैं आपको बोलता हूं ये मेरा सेकंड मिस्टेक था, बिकॉज यहां पे भी मैंने तो आइडियल टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को इग्नोर किया. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो 44 प्लस 10 प्लस 6 50 प्लस 25 75,000 इज गोइंग टू बी माय आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. बट ये मैं गलती कर रहा हूं ना, यहां पे एक टन का एक टन आउटपुट बनाने के लिए दो टन इनपुट ले रहा हूं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. चलो भाई इसी के साथ मेरा थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया, एक नंबर आगे बढ़ रहा हो. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फटाफट पूछते जाओ. नव्या बाजपाई पूछ रही है 5,000 प्रॉफिट कैसे है. नव्या जी प्लीज क्वेश्चन को रीड कीजिए. रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फिनिश कॉरुगेटेड बॉक्सेस इज रुपीज 5,000 पर टन, क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है. प्लीज चलो आगे बढ़ते. व्हाट कंक्लूजंस वुड यू ड्रॉ व्हेन यू द टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ये क्या क्वेश्चन ही बोलो का बराबर नहीं है बट ठीक है. व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ बिटवीन द टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. सो टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मेरा 75,000, आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मेरा आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मेरा 75,000, टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मेरा 69,000. अगर इफ आई एम एबल टू रीच टू दिस देन पॉसिबली मैं मेरे कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर पाऊंगा. सो ऑब्वियसली आई विल वॉन्ट टू रीच टू माई टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक भी पहुंचता हूं उसके बाद भी 6,000 बचता है. आई विल ट्राई टू फाइंड सम वे जिससे मैं वो भी कम करने की कोशिश करूं. दैट्स ऑल यू हैव टू से. थर्ड वाला पार्ट जसमीत एंड प्राची को नहीं समझ में आया, मैं दो मिनट फटाफट रिपीट कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम्स. सुनो यहां पे वो लोग ने क्या बोला है कि आपको कैसे सॉल्व करना पता है. देखो अबिलिटी ऑफ अ कॉम्पिटिटर टू सेल अ सिमिलर प्रोडक्ट, किधर गया, सॉरी थर्ड पार्ट देखो. कैलकुलेट आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंसिडरिंग मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हेन देयर इज नो वेस्टेज ऑफ करंट रिसोर्सेज. अब अगर कुछ लोग पीछे से ज्वाइन हुए हो ना तो तुम लोग को ये फिर चीज नहीं पता होगा, तो तुम लोग बोलोगे नहीं समझ में आया तो देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. मैं फिर भी बता देता हूं. अ टन ऑफ रॉ मटेरियल, इसीलिए मैं बोल रहा हूं स्टार्ट से एंड तक बने रहो, साथ साथ में हो जाएगा मेरे साथ. एंड अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड बोलते ना एक कमांड आ जाएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है ना वो आज के 4-5 घंटे के बाद के सेशन के बाद मिल जाएगा, ये मेरा श्योरिटी है. बट प्लीज स्टे देयर एंड कीप ऑन डूइंग विद मी, तो ही आई थिंक मजा आएगा. चलो यहाँ पे देखो क्या बोला है, जिन लोगों का ध्यान नहीं था थर्ड वाले पार्ट पे. अ टन ऑफ प्रोसेस्ड कॉरुगेटेड यील्ड्स हाफ अ टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट, मतलब कि मेरा अगर मेरे को एक टन ऑफ आउटपुट बनाना है तो 2 किलो का मेरा इनपुट लग रहा है. क्यों? आइडियली तो एक टन ऑफ इनपुट के लिए एक टन ऑफ इनपुट डाल के एक टन ऑफ आउटपुट बनना चाहिए ना. इसका मतलब क्या है कि 50% ही मेरा इनपुट प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, बाकी का वेस्ट हो रहा है. और वो लोग बोल रहे हैं थर्ड पार्ट में कि देयर शुड बी नो वेस्टेज, मतलब यहां पे मेरे को एक ही टन में एक आउटपुट बना देना है. जो पहले मैंने एक टन ऑफ आउटपुट के लिए 2 टन लिया था वो नहीं होना चाहिए. तो 44,000 का जो 88,000 किया था उसमें से 44,000 अभी मेरा सेफ हो जाएगा. अभी क्लियर एवरीबॉडी? चलो दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट 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 के ऊपर आता हूं.
कौन से पार्ट पे थे अपन लोग, फोर्थ पार्ट हो गया क्या अपना? फोर्थ पार्ट ही कर रहा था, व्हाट कंक्लूजन टू ड्रॉ व्हेन यू। हाँ, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी आपको टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आइडियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कैसे पहुंचोगे। सो वो पहुंचने के लिए मेरे पास कभी भी याद रखना, अगर आप लोगों को टारगेट कॉस्ट का क्वेश्चन आता है एंड आपका टारगेट कॉस्ट ज्यादा है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा टारगेट कॉस्ट आ रहा है से 69,000 या 75,000 एंड मेरा रियल कॉस्ट आ रहा है 80,000, 90,000, 1 लाख, देन इन दैट केस मेरे को अपना जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कहना इसे टारगेट कॉस्ट पे आने के लिए कम करना पड़ेगा। देर आर ऑलवेज टू मेथड्स टू बी यूज, एक है वैल्यू एनालिसिस, दूसरा वैल्यू इंजीनियरिंग। दोनों वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग आर थियोरेटिकल पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4। वैल्यू इंजीनियरिंग पार्ट में मालूम है, इज देर अ बेटर प्रोडक्ट, इज देर अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कैन बी रिड्यूस द फंक्शंस, वो वाला जो चार पांच पॉइंट है ना वो मस्ट में ठोक के आने का एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। अभी क्लियर? तो कभी भी टारगेट कॉस्ट पे पहुंचने का है दो चीज यूज करेंगे, वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग, उसका थ्योरी चैप्टर 4 में पढ़ लेना एंड यू विल बी थ्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। आइए, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वॉट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ। ये आई थिंक फोर्थ वाला पार्ट हो गया, फिफ्थ वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट इज ऑल्सो सुपर अमेजिंग, लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट बोलता है, असेस वेदर द कंपनी विल इंप्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन द फॉलोइंग एक्शंस आर टेकन। द प्रोडक्ट इनपुट मिक्स इज चेंज्ड, 55% क्राफ्ट एंड रिसाइक्लेबल पेपर, 45%। भाई पहले तो 80% 20% था, और जो मेरा क्राफ्ट पेपर था वो महंगा था 50,000 पर टन, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर दिया। प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करने से अभी मेरा वो वाला कॉस्ट कम हो जाएगा, तो क्राफ्ट पेपर 55% यूज करेंगे 80% के जगह पे, क्योंकि वो वैसे भी महंगा था तो अच्छा है मेरे लिए। एंड रिसाइक्लेबल पेपर 45%, मार्केट प्राइस प्लस टन पर टन ऑफ क्राफ्ट पेपर थोड़ा अभी 51,000 हो गया एंड रिसाइकलेबल पेपर तो सस्ता हो गया 15,000। वेरी गुड, तो कहना से ये वाला कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे, बट जो सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू, ट्राई करना, आया तो बहुत मजा आएगा आपको। इनपुट आउटपुट यील्ड इंप्रूव्स टू 85% फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 50%, दैट्स राइट। सो अगर आपका इनपुट आउटपुट यील्ड्स देखते हो आप लोग, देन इन दैट केस इनपुट आउटपुट यील्ड जो पहले 50% था, मतलब मैं जब 2 टन डालता हूं तब जाके मेरा 1 टन ऑफ आउटपुट निकलता है, अब वो इंप्रूव होके हो गया है 85%। तो क्या अब मेरे को 2 टन डालने की जरूरत है? द आंसर इज नो। कहना इससे अब मैं 2 टन से कम डालूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो आपको 2 मिनट में कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, पहले मुझे बताओ वो फॉर्मूला और उसके हिसाब से आप लोग का आंसर कितना आ रहा है, ट्राई करो, बाकी मैं सॉल्व करने ही वाला हूं। फिर वो लोग ने बोला है, और एक इसी पार्ट में और एक चीज बोला है कि स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स एट द वेयरहाउस इज बीइंग इंप्रूव्ड, कंपनी इज मूविंग टू स्मॉलर वेयरहाउस, ऑटोमेशन हो रहा है, दिस कैन रिड्यूस वेयरहाउस ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय 5,000 पर टन। याद रखना, एक होता है टू और एक होता है बाय, यहां पे वो लोग ने यूज किया है बाय, यहां पे भी गलती हो सकता है। सो बाय मतलब कितना कम होने वाला है पता है, आपका जो वेयरहाउसिंग कॉस्ट था ना, ये वेयरहाउसिंग कॉस्ट था आपका 30,000 पर टन, वो लोग बोल रहे हैं कि इज गोइंग टू रिड्यूस बाय 5,000। सो अभी कहना से वो 25,000 पर टन हो जाएगा। यस सर, ट्रक्स यूज फॉर शिपिंग, यस आई थिंक मेजोरिटी पब्लिक का आ गया है, वेरी नाइस। ये 1.18 कैसे आया रचना राजपूत, 1.18 कैसे आया वो बताओ। चलो नेक्स्ट, ट्रक्स यूज फॉर शिपिंग आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोर फ्यूल एफिशिएंट लार्जर वंस, दिस वुड सेव द कंपनी 2,000 पर टन। तो कैन आई से जो मेरा शिपिंग कॉस्ट है वो मेरा शिपिंग कॉस्ट इधर कितना दिख रहा है 6,000 पर टन, बट ये शिपिंग कॉस्ट मेरा अभी कम होके कितना हो जाएगा पब्लिक एवरीबॉडी, यस कैन आई से ये मेरा शिपिंग कॉस्ट 2,000 से रिड्यूस हो जाएगा। सो आई थिंक 6,000 से मैं रिड्यूस करके 2,000 से रिड्यूस करके 6,000 माइनस 2 इट विल बिकम करेक्ट, इट विल बिकम 4,000। चलो अभी फटाफट मैं आ जाता हूं मेरे आंसर्स के ऊपर एंड लेट द गेम बिगिन। अभी सुनो, अभी तक मेरा रॉ मटेरियल का इनपुट आउटपुट वाला जो सीन था ना, उसमें क्या सीन था पता है क्या, उसमें यह सीन था कि मेरे को एक आउटपुट के लिए मेरा इनपुट 0.5 का रेशियो दे रहा था, अब मेरा एक आउटपुट 0.85 का रेशियो दे रहा है। ये वाला ना इजी था इसलिए कैलकुलेट नहीं किया, बट अब जब आप करोगे तो 1/0.5 करोगे तो आपको समझेगा कि 2 इनपुट का मेरे को यहां पे जरूरत है, बट अब मेरा रेशियो बेटर हो गया है तो 1/0.85 करता हूं तो मेरे को खाली 1.176
फाइव का ही जरूरत लगता है। तो पहले जो मेरा टू टाइम्स लगता था, अब मेरा खाली 1.1765 टाइम्स ही लगेगा। दिस आई थिंक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ दिस सम एज वेल। ठीक है, ये वाला मेरा करेक्ट था भाई, वो खाली वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वो दोनों पॉइंट में मेरा मिस्टेक हुआ था। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक इट। अब सुनो, ये समझ में आ गया, एवरीबॉडी डन? सो प्लीज गाइस, ये फॉर्मूला को देख लेना, इससे आप लोगों को चीजों को क्लैरिटी आ जाएगा। क्या कि भाई एक आउटपुट के लिए पहले 0.5 लग रहा था, आई मीन एक आउटपुट का मेरा इधर रेशियो था इनपुट का 0.5, अब वो एक आउटपुट का रेशियो हो गया 0.85। यू कैन ट्राई इट विद सम अदर मैथमेटिक आल्सो, यू विल गेट द सेम आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फटाफट इस सम को सॉल्व करने के लिए अपन लोग तैयार है, 2 मिनट लेंगे। रॉ मटेरियल कॉस्ट, बाकी सब कॉस्ट तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। रॉ मटेरियल कॉस्ट में मेरे पास दो चीजें गाइस, रॉ मटेरियल कॉस्ट में मेरे पास दो चीजें, क्या है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट की मेरी दो चीजें? बोलो बोलो, चल चल, नहीं आया? चलो मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ए रोहन का सेट, चल 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 इधर, ये तेरा पूना नहीं है, यूबीयू साइड पे। 1 डिवाइड बाय 0.85, चलो मैं ये वापस से समझा दूंगा, एक बार मेरे को फटाफट इसी के ऊपर आ जाने दो, सो दैट आई कैन मूव ऑन। हाँ चल, सो अब यहाँ पे मेरे पास दो पेपर है, एक है क्राफ्ट का पेपर और दूसरा है मेरा रिसाइकल का पेपर। ये जो क्राफ्ट का पेपर है, ये मेरा क्राफ्ट का पेपर मैं क्या करूंगा, करेक्ट, उसका 45% हो जाएगा मेरा अभी, 55% हो जाएगा, तो 51,000 पर टन हो गया है, बट इसका 55% ही अभी मेरा कंजम्पशन हो रहा है, तो प्लीज 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 गाइड मी विद द कैलकुलेशन। तो 51,000 इनटू 55%, तो ये हो गया मेरा 28,050। यहाँ पे मेरा रिसाइक्लेबल पेपर कम हो गया है, 15,000 पर टन मल्टीप्लाई बाय 45%, सो कम ऑन, 50,000 इनटू 0.45, ये आ जाता है मेरा 6,750। दोनों को ऐड करेंगे तो 28,050 प्लस 6,750, तो ये आ जाता है मेरा 34,800। पहले मेरे को क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई बाय 2, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1.1765, सो मल्टीप्लाई बाय 1.1765 एंड दिस विल गिव मी 40,941 आ रहा है क्या गाइस, 40,941, प्लीज चेक द कैलकुलेशंस एवरीबॉडी, यस ऑसम। आशीष पिंजानी पूछ रहा है, सर 1 डिवाइड बाय 0.85 का लॉजिक मैं बताता हूँ, डोंट वरी। सो यहाँ पे मेरा अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया है 40,491, बाकी सब कॉस्ट तो आई थिंक बहुत ही सिंपल है। बाकी सब कॉस्ट में वो लोग ने क्या क्या बोला है, इनपुट आउटपुट ये चेंज हो गया, ये चेंज कर दिया है, ये दिस इज सेम, 6,000, 5,000, 20,000 इज एज इट इज, सो वो प्लीज लिख देंगे अपन, 6,000, 20,000, 5,000 इज एज इट इज, यस। उसके बाद मेरा वेयरहाउसिंग कॉस्ट कम हो गया है, वेयरहाउसिंग कॉस्ट कम हो गया, पब्लिक वेयरहाउसिंग कॉस्ट कितना कम हो गया है, 30,000 से 25,000, सो ये 25,000 मेरा 6,000 से 4,000 हो गया है, सो ये मेरा 4,000, टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है, 40,491 प्लस प्लस 25 प्लस 6 प्लस 29,000, अप्रोक्सीमेटली कितना, 1 लाख कुछ आ रहा है क्या, 1,04,91 प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 5,000 का, कैन आई से अब मेरा टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया 1,05,491 एंड मेरा जो कॉम्पिटिटर था वो बोला था कि मेरा 1,10,000 में बेच रहा है वो, अब मैं उसको दिखाऊंगा, अब मैं ये 1,05,500 में बेच के भी मेरे को जो 5,000 का प्रॉफिट चाहिए वो कमाऊंगा, बट उसके लिए आई हैव टू एंश्योर कि ये वाली चीज हो रही है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 4 डेसिमल की जगह 2-3 डेसिमल किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, डन एंड डस्टेड। सो इन शॉर्ट लास्ट में फाइनली हीरो की जीत होती है एंड अपनी जीत हुई है, 1,05,491 में अपन लोग बेच पा रहे हैं, कॉम्पिटिटर 1,10,000 में बेच रहा है, कहां अपन लोग 1,40,000 में बेचते थे, अब अपन कॉम्पिटिटर से भी बेटर हो गए, टारगेट कॉस्टिंग हैज वर्क, और टारगेट कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा अच्छा चीज लिख दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फुल मार्क्स हो जाएगा, थैंक यू सो मच, लेट्स मूव ऑन। चलो 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 गाइस, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, डन 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 डन, ओके। चलो ये वाला एक डाउट था किसी को, ये वाला डाउट प्लीज एवरीबॉडी एक बार, ये वाला डाउट एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड यार आल्सो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा एक वॉइस नोट के थ्रू या टेलीग्राम पे एक वॉइस नोट डाल दूंगा। भाई एक आउटपुट का तेरा इधर रेशियो है इनपुट आउटपुट का 0.5, तेरे एक आउटपुट का, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये तेरे एक आउटपुट का इनपुट आउटपुट रेशियो देख क्या बोला है, टन ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड्स हाफ टन ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स, तो यहाँ पे
इधर तेरा रेशियो बता रहा है, ये ना, ये जो 0.5 है ना, ये 50% बेसिकली एक रेशियो है कि एक आउटपुट के लिए तेरे को 50% का ही यहाँ पे इनपुट का बेनिफिट मिल रहा है, वेर एज अब ये एक आउटपुट के लिए तेरे को 85% का बेनिफिट मिल गया है. सो देयरफॉर अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे 2 and 1.17 दिख जाएगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये 0.5 ना लिखे, इधर 50% लिख दो, 85% लिख दो, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट. जसमीत सिंह बोल रहा है फिफ्थ पॉइंट में पूछा ही नहीं, फिर भी अपन लोग ने कैलकुलेट कर दिया. यार कोई चीज आ रही है तो उसके ऊपर थोड़ा आगे लिखते जाने का, डेसिमल राउंड ऑफ किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो गाइस, ऐसे ही अपने को और बहुत सारे सम्स करने हैं. चलो नेक्स्ट सम के ऊपर मैं आ रहा हूं. थैंक यू साक्षी जी, तुम लोग प्लीज बताते जाना भाई. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, कैसा लगा आप लोगों को, मजा आ रहा है, स्पीड बराबर बैठ रहा है? प्लीज कीप ऑन कंफर्मिंग सो दैट आई कैन मूव ऑन. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.